तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबको डार्क स्टार वाइट में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आता है वो है ये विंटर का जो मेल और फीमेल का बंडल है, ये इवेंट आया है एक जो कल बैक है ना उसी के तरह आया है। तो उसमें भी कुछ फ्रेंड्स को ऐड करना पड़ेगा, रैंडमली हो या कैसे भी हो फ्रेंड्स को ऐड करके उनके साथ खेलना पड़ेगा। फिर जाके इसका जो मिशन होगा उसको कंप्लीट करने के बाद हमको दोनों के दोनों बंडल पूरा फ्री में मिल जाएंगे और इंडिया के सर्वर में भी ऐसे ही आने का चांस है। और जो अगला अपडेट निकल के आता है वो ही ये नया फीमेल की ड्रेस के लिए। तो इस तरह का इवेंट्स इंडिया के सर्वर में पहले भी आ चुका है, तो ये रैंडमली अपने अपने जगह पर रह जाएंगे। तो इसमें से डायमंड स्पिन करके तो ये कार्ड को चेंज करके इसमें बंडल निकालना पड़ेगा। अगर जिसका लक जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ही जल्दी उसको मिल जाएगा, वरना लेट से मिलेगा। तो अभी गेम का और जो अपडेट निकल के आ रहा है तो वह है ये ग्लूअल स्किन एक्सचेंज के इवेंट के बारे में। ये इवेंट बाहर के सर्वर में आया है, इसमें बहुत सारा ग्लूअल का स्किन एक्सचेंज में दे रहा है। तो गेम के स्टोर में एक क्रिएट ओपन करने के लिए आया है, ये देखिए आप लोग इसमें वन पंच मैन का ग्लूअल का स्किन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक पर्पल क्रिस्टल से एक ग्लूअल का स्किन। तो ये इवेंट शायद इंडिया में भी आ सकते हैं और शायद बनी MP40 का गन क्रिएट भी गेम में आ सकता है और ये कस्टम रूम कार्ड का क्रिएट भी 60 डायमंड में ओपन करने को देखने को मिल सकता है गेम में। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है ये देखिए एक नया बंडल गेम में देखने को मिला है, मेल बंडल। तो ये इवेंट है बाय वन गेट टू फ्री। तो इस तरह का इवेंट इंडिया के सर्वर में भी पहले आ चुका है, तो इन चारों में से कोई एक चीज़ खरीदोगे तो ये साइड के जो 8 आइटम्स है उसमें से कुछ लक के हिसाब से स्पिन होके मिलेंगे तुमको। और ये बंडल देख भी काफ़ी शानदार रहा है। और अभी जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है इसी का फीमेल बंडल के बारे में। तो ये लिख निकल के आ रहा है कि ये डायमंड रॉयल में आ सकता है, बाहर के सर्वर में ये डायमंड रॉयल में ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी ये इंडिया के सर्वर में देगा या नहीं इसका कोई कन्फर्म लिख निकल के नहीं आया, क्योंकि ये बंडल कुछ सर्वर में फ्री में भी मिल रहा है। और जो अगला अपडेट है वो सबसे मेन हमारे मिस्ट्री सब के बारे में और उसमें इलेट पास आएगा या नहीं। तो बाहर के सर्वर में कंफर्म हो चुका है कि मिस्ट्री सब आएगा, पर इंडिया के सर्वर में पिछले 5 महीने से शायद मिस्ट्री सब नहीं आया है और इलाइट पास में कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिला है। तो अगर इंडिया के सर्वर में मिस्ट्री सब आता है तो उसमें इलाइट पास देखने का कम चांस है, पर इस बार मिस्ट्री सब इंडिया में आने का 95% चांसेस है। तो अभी जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है रैपर अंडरवर्ल्ड और लेफ्टिनेंट कर्नल के बंडल के बारे में। तो इस तरह का इवेंट अभी अभी गेम में हमारे आया था, M1887 गन स्किन को जैसे निकाले थे फिस्ट के टोकन से या फिर फिस्ट के कार्ड जो भी बोल सकते हैं, तो ये भी वैसे ही आएगा लेकिन इसमें फिस्ट आएगा और शायद इसमें कुछ आइटम्स चेंज भी हो सकते हैं, पर ये इवेंट इंडिया में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है आने वाला वैलेंटाइन इवेंट्स के बारे में। तो लीक से पता चला है कि हार्ट वाला इमोट और जो प्रपोज वाला इमोट वो इवेंट या स्टोर में डाल सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि गेम ये दो रेयर इमोट को किसी वेब इवेंट में लाएगा। पर अभी ये इमोट्स बाहर के सर्वर में 350 डायमंड में स्टोर में अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो अभी जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो है इंक्यूबेटर रिटर्न के बारे में। तो ये देखिए बाहर के सर्वर में ये ग्राफिटो स्क्वाड आ चुका है इंक्यूबेटर रिटर्न में लिगासी ग्राफिटो नाम से, और ये जल्द ही इंडिया के सर्वर में अवेलेबल हो सकता है इंक्यूबेटर रिटर्न में। तो ये बंडल्स दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, तो अगर ये गेम में वापस आया तो आप लोग इस बंडल को लोगे या नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी जो छोटा सा अपडेट है पर वो इतना कुछ खास नहीं है, टॉपअप इवेंट के बारे में है। तो ये एक स्लेज का दिया है सर्वबोर्ड 100 डायमंड के टॉपअप में, और बाहर के सर्वर में P90 का ब्लू पेंट देखो 140 डायमंड के टॉपअप में मिल रहा है। तो शायद इंडिया सर्वर में नहीं आ सकता है ऐसा कुछ, फिर भी मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने मेंशन कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अब कुछ गेम में नया अपडेट निकल के आता है तो आप सबको इन्फॉर्म करने की जरूर कोशिश करूँगा। एंड टेक केयर एंड किल योर ऑल एनिमी।